गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है ना। जैसे याद करो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक सर्किट्स के लिए क्या निकाला था बेटा, आपने गॉस थ्योरम का यूज़ किया था। हालांकि वहाँ पर हमने यूज़ सिमेट्रिक के लिए किया था, लेकिन गॉस थ्योरम वैलिड थी सिमेट्रिक के लिए भी और एसिमेट्रिक के लिए भी, ठीक है ना। उसके लिए फिर हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत होती थी, बोलो सही है। ऐसी एम्पियर सर्किटल लॉ है, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ये भी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों के लिए लगता है, दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ओवर हेयर वी आर गोइंग टू यूज फॉर सिमेट्रिक सर्किट्स, सिमेट्रिक सर्किट्स, ठीक है ना। हम यहाँ पर सिमेट्रिक सर्किट्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी मैथमेटिक्स नहीं है 12th स्टैंडर्ड के लिए कि हम एसिमेट्रिक के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकें, सेम जैसे वहाँ पे हम मैंने बोला था आपको गॉस थ्योरम के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इसमें थ्योरी लिख लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लिखो इसमें, इट इज़ अ मैथड यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इट इज़ अ मैथड यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इट इज़ अ मैथड यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स वेदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, बट ओवर हेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई but over here we are going to apply for symmetrical current carrying conductors, ऐसे लिख सकते हो सर्किट्स की जगह symmetrical current carrying conductors, ठीक है। जो मैंने बोला अभी आपको वही लिखवा दिया मैंने। अब ये कहता क्या है, स्टेटमेंट लिखेंगे सभी बच्चे, लिखो। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू μ0 times current enclosed in that loop. सही है बेटा, ये हमारा कोई क्लोज लूप दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई भी क्लोज लूप है ये, ठीक है ना। और लूप की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, सही है बेटा। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कहती है स्टेटमेंट, लाइन इंटीग्रल होता है B.TL, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू μ0 times इंटू करंट enclosed. Enclosed करंट कितना है? देखो I, 2I, 3I सारे बाहर आए हैं, कितना हो गया 3I, 4I और 6I हो गया, और ये कितना हो गया 6I में से गया I2 और I1, बोलो ये लाइन, ये μ0 इंटू करंट enclosed, तो B.DL लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू μ0 times करंट enclosed. ये बाहर वाला नहीं लेंगे, I4, I5 और I6 नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो जो लाइन इंटीग्रल सॉल्व करके आता है ये सिर्फ enclosed पे डिपेंड करता है। जैसे याद करो
ई डॉट डी एस में जो फ्लक्स सॉल्व करके आता है वो सिर्फ चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन चार्ज एनक्लोज। गॉस थ्योरम याद करो, ये जो फ्लक्स होता था ये सिर्फ चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड करता है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज एनक्लोज की वजह से होती है, सबकी वजह से होती है? बोलो, याद करके बताओ। मैंने बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होती है। सिमिलरली यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मैग्नेटिक फील्ड सब करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से है। लेकिन ये लाइन इंटीग्रल जो है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड ऑन एनक्लोज्ड करंट इन लूप। बोलो, सही बात है। लिखो इसमें हमें क्या करना होगा। अब मेरे को मान लो कभी भी, अभी मेरे को मान लो आप कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी मुझे किसी करंट कैरिंग कनेक्टर की वजह से। मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कैसे करूंगा? याद करो, जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम की हेल्प से जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी तो मैं गॉसियन सरफेस यूज करता था। क्या यूज करता था? गॉसियन सरफेस, याद होगा आपको, ठीक है ना? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी एम्पिरियन लूप की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एम्पिरियन लूप की। तो लिखो, वी विल फर्स्ट सिलेक्ट एम्पिरियन लूप। हमें सबसे पहले एम्पिरियन लूप सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। फॉर आवर सिंप्लिसिटी याद करो, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम गॉसियन सरफेस कैसा लेते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड है डीएस, जो गॉसियन डीएस होता था, गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, क्यों? ताकि ये डॉट प्रोडक्ट बन जाए, या तो जीरो बन जाए या क्या हो जाए, एंगल हट जाए। अरे बोलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस एम्पियर उस गॉसियन सरफेस पे क्या होती थी? यूनिफॉर्म होती थी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल के बीच में एंगल क्या लेंगे हम? आइदर हम 0 डिग्री रखेंगे और हम 90 डिग्री रखेंगे, या तो हम 0 डिग्री रखेंगे या 90 डिग्री रखेंगे, ऐसा सेलेक्ट करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ऑन एम्पिरियन लूप इज यूनिफॉर्म। एम्पिरियन लूप हम ले रहे हैं उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एम्पिरियन लूप पे क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर एम्पिरियन लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है तो वहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां भी एम्पियर सर्किटल लॉ है लेकिन हम फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी अच्छी मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है ना। वी विल बाउंड विद आवर मैथमेटिक्स कि हम 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स के हिसाब से एसिमेट्रिक के लिए या फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम सिंपलिसिटी करेंगे ताकि हम इसका यूज कर सकें, और सिंपलिसिटी के लिए हम जो एम्पिरियन लूप सेलेक्ट करेंगे उसमें दो बातें होनी चाहिए, बी और डी एल में एंगल या तो 0 डिग्री रखें 90 डिग्री रखें, ऐसा एम्पिरियन लूप सेलेक्ट करेंगे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, या फिर क्या ऐसा भी करेंगे, ऐसा तो करेंगे करेंगे प्लस ऐसा भी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड उस एम्पिरियन लूप पे क्या हो? यूनिफॉर्म। क्या हो बेटा? यूनिफॉर्म होगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, 0 डिग्री में अपने आप 180 डिग्री भी आ गया ना, पैरेलल भी आ गया और एंटी पैरेलल भी आ गया, ठीक है ना, पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों आ गए, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं छोटे छोटे एक दो एग्जांपल करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे लगानी है थ्योरम, ठीक है ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि थ्योरम कैसे लगानी है। फिर मैं इस थ्योरम का प्रूफ भी दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा।
मैं इस थ्योरम का प्रूफ भी दूंगा, जैसे मैंने गॉस थ्योरम का प्रूफ दिया था, ठीक है ना, इसका भी प्रूफ दूंगा। पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल लगा के दिखाता हूँ कि कैसे लगानी है, थ्योरम लगानी कैसे है, ठीक है। एक दो एग्जांपल आपको मैं करा के दिखाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो ये ऐसा एक लूप है, ध्यान समझना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे, ऐसा एक लूप, ठीक है, और ये लूप है ऐसा, ध्यान से देखो, डायरेक्शन दिख रही होगी आपको, ये ऐसा तो इधर ऐसे जाएगा, सही है, नो प्रॉब्लम, ये लूप है, मुझे गिवन है, एक करंट ये है और एक करंट ये, ध्यान सुनो, ठीक है ना, एक करंट कैरिंग वायर में करंट जा रहा है ऊपर, आई, और इस करंट कैरिंग में करंट जा रहा है नीचे, ऊपर ही ले लो, चलो ऊपर लेना नीचे लेना क्या लेना है, देखो ऊपर ही ले लेते हैं, फिर नीचे के लिए बता दूंगा, इसी एग्जांपल को नीचे के लिए बता दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। ऐसा समझो कि ये दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, कैसा फिगर है देखो, इसमें रेड में भी करंट ऊपर जा रहा है और ब्लैक में भी करंट ऊपर जा रहा है, और लूप कैसा है देखो, लूप लूप समझाता हूँ, लूप देखो ऐसा है, लूप ऐसा ही है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ देखो, ये ऐसा, फिर ये इधर गया, ये ऐसा, ये इधर आया, ये ऐसा, एट, ये एट बन रहा है, दिख रहा है, बोलो, ये एट बन रहा है, लूप दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अगर लूप की डायरेक्शन में चलूं और थंब करंट की तरफ आए तो पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है ना। अब देखो फिलहाल इधर देखो, मैं इसमें चला, इसमें चला तो लूप की डायरेक्शन में चला, देखो मैं यहाँ से लूप ऐसे इनसाइड है ना, ऐसे मैं लूप की डायरेक्शन में चला, इस वाले करंट को देखो, मैं लूप की डायरेक्शन में चला और करंट थंब की तरफ आ रहा है ना, तो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। इधर चला तो ऐसे घूम के आया मैं, फिर इधर चलूंगा ऐसे, ये ऐसा है ये वाला लूप, अरे भाई ये वाला लूप अगर इधर है तो एट बनने के लिए ये वाला इधर से बनेगा, तो इधर जो करंट है उसके लिए इधर, उसके लिए थंब नीचे आ रहा है, लेकिन करंट ऊपर है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो मैं क्या लगाऊंगा, बी डॉट डी एल की वैल्यू लगाऊंगा, म्यू नॉट इंटू आई माइनस आई, समझे। और अगर ये डायरेक्शन नीचे होती, ये डायरेक्शन मान लो नीचे होती, ध्यान सुनो, इफ अगर ऐसा होता तो इसके लिए क्या था, थंब की डायरेक्शन ऊपर थी और करंट भी ऊपर था पॉजिटिव, इसके लिए क्या था, थंब की डायरेक्शन नीचे थी और करंट भी नीचे था, तब भी पॉजिटिव, तब आई प्लस आई होता आंसर। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आई कि नहीं आई, अब करता हूं आपको समझ में आया। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं, ठीक है ना, आपको ताकि और अच्छे समझ में आए, फिर मैं आपको प्रूफ तो बता ही दे ही देता हूँ इसका, एम्पिरियन लूप का। लेट अस डू वन एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्रॉस डॉट डॉट, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, एक लूप तो हो गया ये खुद, इसको नाम दे दो, ये ऐसा है, देखो ध्यान से देखो, इसको नाम दे दो फोर, ठीक है, एक लूप हो गया ये, इसको नाम दे दो थ्री, ठीक है, फिर एक लूप ले लो ये, ठीक है, पक्का, इसको नाम दे दो टू, ठीक है, इसको नाम दे दो टू, और एक और ले लो, एक और ले लो जिसको नाम दे दो आप फोर, ये लूप ले लो एक और ब्लैक वाला,
इसको नाम दे दो आप फोर का, इसका नाम दे दो फोर का, ऐसा ले लो। ठीक है, अब मुझे आप लगा के दिखाओ बी डॉट डी एल सबकी वजह से। और करंट क्या है, सारे आई, ये भी आई करंट है, ये अंदर जा रहा है, ये भी आई करंट है, ये बाहर आ रहा है, ये भी आई करंट है, ये बाहर आ रहा है। ठीक है ना, चारों के लिए। तो पहले के लिए बी डॉट डी एल लगा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे के लिए बी डॉट डी एल, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरे के लिए बी डॉट डी एल, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चौथे के लिए बी डॉट डी एल, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लगा के बताओ, अब ध्यान से देखो। मैं बात करता हूँ, अच्छा चौथे दो हो गए क्या, इसको पहला मान लो, फिर इसको पहला मान लो। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसकी, देखो ध्यान से। इसमें जो लूप है ऐसा है, यानी लूप थम बाहर है, करंट अंदर है, तो नेगेटिव मानूंगा, तो मैं बोलूँगा माइनस म्यू नॉट आई, क्योंकि ये दोनों तो लूप से बाहर ही है सारे। अरे लूप वन वाला लूप देखो ना, सही है, माइनस क्यों लिया समझ में आया। चलो सेकंड, सेकंड किधर है, सेकंड ये वाला है, ये वाला है ना। तो सेकंड का जो लूप की वजह से थंब है वो बाहर है, और करंट एक बार बाहर है एक बार अंदर है, तो जीरो हो गया। मिनट, एक बार करंट प्लस है, एक बार क्या है माइनस है, जीरो हो गया। सही है, बोलो थर्ड। थर्ड देखो, थर्ड में जो लूप है, ये लूप है, थर्ड का जो लूप है उसमें लूप का जो थंब है वो बाहर है, करंट भी बाहर है, तो दोनों ऐड हो गए। म्यूनट आई प्लस आई। फोर्थ देखो, फोर्थ कौन सा है, फोर्थ में सारे आ गए, तो देखो ऐसे बाहर है ना, तो आई और आई प्लस का टू आई, और ये आई माइनस का, तो म्यूनट दो आई प्लस के एक माइनस का, खत्म। दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आया, अच्छे से स्टेटमेंट समझ में आया, सिंपल लगाना कैसे समझ में आया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रूफ की।